हमेशा से ही हिंदी सिनेमा जगत और क्रिकेट जगत का एक अलग ही खास नाता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो बॉलीवुड की कई हसीनाएं ऐसी हैं जिन्होंने क्रिकेटर से शादी की है और हमेशा ही पावरफुल कपल के तौर पर जाने भी जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा ही एक्ट्रेस ने अपनी लव लाइफ को लेकर लाइमलाइट बटोरी है, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियां भी बटोरती हुई नजर आई हैं। उन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी। जी हाँ, बचपन से ही बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थी, तो वहीं 16 साल की उम्र से ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। देखा जाए तो बहुत ही कम समय में उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमा लिया। संगीता का फिल्मी सफर बहुत ही कम देखने को मिला, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए वो जानी जाती हैं। फैंस के दिलों पर राज करती हुई नजर आती थी संगीता बिजलानी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे संगीता बिजलानी की पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संगीता बिजलानी और सलमान खान के लिंकअप की खबरें सामने आई थी। इन दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था, लेकिन आखिरकार हुआ यूं कि शादी के कार्ड छप जाने के बाद भी ये शादी नहीं हो पाई। जी हाँ, आखिरी समय में देखा गया कि यहाँ पर शादी ही टूट गई, लेकिन इसके बाद संगीता बिजलानी के जीवन में एक नए शख्स की एंट्री हुई। ये कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। जी हाँ, एक पावर कपल के तौर पर इन दोनों को जाना जाता था, लेकिन ये शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। दरअसल आपको बता दें कि अजहर और संगीता की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी, और उस वक्त संगीता एक उभरता हुआ चेहरा थी बॉलीवुड में, तो वहीं क्रिकेट के मैदान में जीत के झंडे गाड़ रहे थे अजहर। दोनों ही जाना माना नाम थे, तो वहीं पहली ही नजर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि संगीता विदेशों में टीम के मैचों के दौरान दिखाई भी देती थी। जी हाँ, अजहर के मैच को देखने के लिए वो जाया करती थी, और उस दौरान इन दोनों की मुलाकात होती रहती थी। जहाँ एक ओर दिग्गज बल्लेबाज का क्रिकेट ग्राफ नीचे गिरता आ रहा था, तो वहीं संगीता से मिलने के लिए अजहर हमेशा ही उनसे मुलाकात किया करते थे। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अजहर पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। संगीता से शादी करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। उनकी पहली पत्नी का नाम था नौरीन, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी। वहीं अजहर की शादीशुदा जिंदगी बेहद ही अच्छी चल रही थी, लेकिन संगीता के आ जाने से उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खत्म हो गई। जी हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लिया था और अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दिया। वहीं अगर बात की जाए उनकी एक्स पत्नी के बारे में, तो तलाक के बाद नौरीन को करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे अजहर ने। जी हाँ, हर जाने के तौर पर, और उस वक्त देश का सबसे महंगा तलाक कहा गया था इसे। नौरीन के बारे में अगर बात की जाए तो नौरीन ने कनाडा के बिजनेसमैन से शादी कर ली। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अजहर और संगीता की शादी के बारे में, तो साल 1996 में संगीता और अजहर शादी के बंधन में बंध गए। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर संगीता बिजलानी के बारे में, तो संगीता बिजलानी ने शादी के बाद धर्म बदलने का भी फैसला ले लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम रखा गया आयशा। लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। 14 साल तक ये शादी चली और अजहर की जिंदगी में बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की एंट्री हो गई और दोनों की शादीशुदा जिंदगी फिर से मुश्किल में आ गई और धीरे धीरे ये रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। साल 2010 में इन दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए। आज के दौर में देखा जाए तो संगीता बिजलानी अपनी अलग ही जिंदगी जी रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं सलमान खान के साथ इवेंट्स में नजर आती हैं, तो वहीं अक्सर देखा जाता है सलमान खान के घर उन्हें पार्टीज में। ऐसे में संगीता बिजलानी हमेशा ही इवेंट्स में स्पॉट की जाती हैं, लेकिन खूबसूरती उनकी आज भी बरकरार है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।